या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 779। 20th of October 1989, rise in the morning, Bethul Khayalat Park, Nairobi. ذکر جاگو بندگی مانگو ذکر جاگو بندگی مانگو کرو ذکر الہی کھری دسوند گتنا میلا کھری دسوند گتنا میلا حضر بیٹھا तेरा शहपीर कभी न सोवे तेरा शहपीर कभी न सोवे तुझे सोना क्यों भावे اسماعیلی تاریخ را اسماعیلی مذہب اسلام کے جتنے بھی طریقے یا فرقے ہیں ان سب میں سے ایک اعلیٰ چیز ہے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کے بدن کے اندر اگر ہم اسلام کو ایک باڈی مانیں تو مولا فرمایا کہ اس کے اندر اسماعیلی مذہب جو ہے وہ برین کی طرح ہے. اسماعیلی مذہب ہم نے اس کا نام اسماعیلی مذہب امام اسماعیل کے نام کے ساتھ رکھا جو ہمارے چھٹے امام تھے, لیکن ہم کو ہمارے اماموں اور پیروں نے فرمایا ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ آدمیات سے چلا آتا ہے. امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں یہ جو مذہب ہے ہر زمانے کے اندر قائم تھا, چاہے وہ کوئی بھی وقت تھا, مگر اسماعیلی مذہب تھا. اور اسماعیلی مذہب یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر خدا کا نور دنیا میں موجود رہا ہے. ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مولا علی ہمارے پہلے امام تھے اور اس سے پہلے دنیا خالی تھی. ہمارے کے صدر دین نے ہم کو یہ بتایا اور یہ بات قرآن شریف کے ساتھ ملتی ہے, اور قرآن پاک کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں اور خدا جو کہتا ہے وہی سچ ہے. کیونکہ صدر دین فرمایا کہ علی سے پہلے جو امامت تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ جس طرح سے آج ہم امامت کو مانتے ہیں, مگر امامت جو تھی وہ اپنی نورانی حالت میں
हर एक पात्र के अंदर जो मौला अली के दादा परदादा बाप वगैरह थे जिनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं, उनमें इमामत का नूर मौजूद था। लेकिन उस जमाने के अंदर नबूवत फ्रंट में थी, इमामत उसके बैक में थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जब नबूवत खत्म हो गई तो इमामत फ्रंट में आ गई और नबूवत बैक चली गई। बैकग्राउंड के अंदर ये जो दो कंडीशन है कि मौला अली से पहले इमामत का जो नूर था वो पीछे रह के नबूवत की मदद करता था, और हजरत रसूलुल्लाह के बाद जब इमामत का काम एक्चुअली फ्रंट में शुरू हुआ नबूवत बैकग्राउंड में चली गई। ये मिसाल समझने के लिए मैं एक आपको दलील देना चाहता हूं। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बाप का है, मां ने पैदा किया, लेकिन वो बाप के पास नहीं रहता, मां ही की गोद में पड़ा होता है। मां उसका पहला गुरु है। ये बच्चा अपनी जिंदगी की जो अंगत और पर्सनल फिजिकल जरूरतें हैं वो मां से सीखता है, जैसा कि हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना, खाना खाना, उठना बैठना। और मां उसको अदब मैनर्स सिखाती है, कि उसको सिखाती है कि ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहने हैं, ये रिश्तेदार है, ये मामू है, ये चाचा है। ये बातें मां सिखाती है। हाथ इस तरह से धो, मुंह ऐसा धो। इसके साथ साथ बाप थोड़ा थोड़ा उसको मिलता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, मां के से दूर हटता जाता है, बाप के करीब आता जाता है। यही मां कि जो उसको अपनी गोद में सुलाया करती थी, यही मां जो बचपन में उसकी जरूरत का ख्याल रखती थी और उसको मेहनत सिखाती थी, अब जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां उसको दूर भगाती है। क्या करता है तू, घर में बैठा हुआ है, जा दुकान पे जा, या बाप के पास जा, या बाप की मदद कर खेतर में जा, तो उसको दूर भगाती है, बाप के नजदीक ले जाती है। और जो और भी बड़ा हुआ, जवान बन गया, 18-20 बरस के करीब हो गया, तो अब मां तो उसको कभी कभी दिन के वक्त मिले, सारा वक्त बाप के पास रहता है। यहां तक कि एक दिन बाप भी पीछे चले जाता है, सिर्फ गाइड करता है और बच्चा काम करता है। खुदा ताला ने जब सृष्टि की रचना रची, उस वक्त मैनकाइंड जो थी, यानी इंसान की जात जो थी, वो उस बेबी की तरह थी कि जिसने मां के पेट से जन्म लिया। और हकीकत यह है जिंदारों, मैंने अपनी वाजों में आपके सामने अर्ज की है कि खुदा ताला ने सृष्टि की रचना मोहम्मद के नूर से की है, और मोहम्मद का नूर है वो रूहानी मां है। इंसान की दुनिया के अंदर पैदाइश के फौरन पहले मां ही की जरूरत थी। ये आज हम दुनिया के अंदर जितनी सिविलाइजेशन देखते, यह हमने किताबों में पढ़ी है, हजारों सिविलाइजेशन हुई, हर कौम और हर मुल्क के अंदर सिविलाइजेशन हुई। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति वो हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान की संस्कृति सबसे बड़ी है, मगर एक जमाना था कि हिंदुस्तान की संस्कृति से पहले और भी बहुत सी संस्कृति यानी सिविलाइजेशन थी। इस वक्त हमको चार सिविलाइजेशन का हिस्ट्री कैसे पता लगता है, हिंदुस्तान, चाइना, ग्रीस और इजिप्ट।
मगर ऐसा नहीं समझना कि यही चार सिविलाइजेशन थी। आप कभी लंदन से न्यूयॉर्क या टोरंटो जाओ, अटलांटिक क्रॉस करते वक्त दिन का वक्त हो गए, तो लंदन से निकल के लगभग चार घंटे की, तीन या चार घंटे की फ्लाइट के बाद आप समुद्र में नीचे देखो, अगर क्लियर हो गए, बादल ना हो गए, तो समुद्र के अंदर बहुत बड़ी जमीन दिखती है, लगभग 2000 से लेके 10,000 फीट तक समुद्र की लेवल से ये जमीन अंदर है, बहुत बड़ी जमीन है। एक जमाने के अंदर ये एक कॉन्टिनेंट था, उसको एटलांटिस कहते थे। खुदा ताला की मर्जी से जमीन में धरती कंप आया और सारे का सारा ये एटलांटिस कॉन्टिनेंट एटलांटिक पोर्शन के अंदर चला गया। खुदा ताला कुरान में फरमाता है कि इस तरह मैंने बहुत सी सिविलाइजेशन को नाबूद कर दिया, इसलिए कि उन्होंने मेरी नाफरमानी की और जुल्म किया। इस तरह से जैसे इंसान भूल भी करता है तो उसको शुरुआत के अंदर मां छपका भी देती है, पिटती भी है, लेकिन जब वो हद से गुजर जाता है और थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो अब मां नहीं पीटती, तो बाप के पास शिकायत करती है और बाप फिर उसको पीटता है। ऐसे ही जब सिविलाइजेशन नबी थी, यानी मैन काइंड की बात करता हूं शुरुआत की, तो नबियों की जरूरत थी। जब तक के मैन काइंड इंटेलिजेंटली या स्पिरिचुअली इतनी तैयार न हुई कि वो काम कर सके, कमानी कर सके, अपनी जिंदगी एक कंप्लीट इंसानी यूनिट के तौर पर पसार कर सके, तब तक नबूवत कायम रही। रसूल करीम को तमाम खुदा ताला के जितने भी पुराने मैसेजेस थे उसको कंप्लीट करने के लिए भेजा गया। इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है, और ये जो रिवीलेशन, ये जो रसूल अकरम के ऊपर वही नाजिल होती थी या ये मैसेज आया है, ये खुदा ताला की मनुष्यात के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर उसकी बख्शीश और रहमत की आखिरी इंस्टॉलमेंट थी। नबी की 23 इयर्स की नबूवत के अंदर कुरान की शक्ल में जो इंसान को हिदायत मिली, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट थी इस्लाम की, कि जो दुनिया की बिगिनिंग से खुदा ने अपने नबियों की मार्फत इंसान को सिखाना शुरू किया। इंसान कामिल हो गया फिजिकली, अब उसको बाप की जरूरत थी, तो मां का काम खत्म हो गया, नबूवत खत्म हो गई। अब कोई भी नई शरीयत नहीं आएगी, अब कोई रसूल नहीं आएगा कि जो शरीयत में चेंजेस करके इंसानों को नया नाम दे के दीन सिखाए। मोहम्मद की नबूवत खत्म हुई, मगर मोहम्मद की नबूवत खत्म होने के साथ खुदा की मेहरबानियां या खुदा की रहमतें, खुदा की गाइडेंस बंद नहीं हुई, वो तो सच पूछो और ज्यादा जोर से शुरू हुई। बाप की जो हिदायत होती है वो मां की हिदायत से जुदी होती है। मां डिटेल्स में जाके एक ऐसा हाथ धोना, इस हाथ से खाना खाना, इस हाथ से सलाम करना, और बाप सिर्फ इशारे करता है, बाप डिटेल्स नहीं देता। इस तरह से इमामत शुरू हुई, लेकिन रसूलुल्लाह से पहले इमामत मौजूद थी और रसूलुल्लाह के बाद आज भी नबूवत मौजूद है। मां है, बाप भी है। मां की दौरवली जिस तरह बचपन में मिलती थी वह बंद हो गई, बाप की दौरवली जिस तरह बचपन में नहीं मिलती थी वह शुरू हुई। मौला अली से पहले
जितने भी उनके बाप दादा थे उनमें नूर नबूवत था, जैसे कि हजरत अबू तालिब थे। हमारी जूनी दुआ थी उसमें कि सदरुद्दीन फरमाया कि वशन अबू तालिब वली हक मौला नशा अली, अव्वल इमाम मौला अली है, इमामत के नाम की लिस्ट में मौला अली अव्वल इमाम है। लेकिन नूर तो हर वक्त था, नबी मोहम्मद आखिरी नबी है लेकिन नूर आज भी मौजूद है। ये बात मुसलमान करते हैं मगर जानते और समझते नहीं। आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, चाहे वो सुन्नियों की हो या शिया की हो, जब भी नमाज पूरी होती है तो जो मेहराब है उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाने वाला, मेहराब का मतलब वो आर्क जो किबला की तरफ होती है, नमाज खत्म होने के बाद वो उस मेहराब की तरफ मुंह करके नबी मोहम्मद को एड्रेस करता है और वो एड्रेस जो है इस तरह है कि जैसे एक आदमी सामने बैठा है, अस्सलामु अलैका या नबी, ऐ नबी करीम, ऐ नबी साहेब, मैं आपको सलाम करता हूं, प्रेजेंट टेंस है और हाजिर मौजूद समझ के उसको दुनिया के तमाम मस्जिदों के अंदर इस तरह एड्रेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि नबी गुजर गए, अस्सलामु अलैका, आपके ऊपर मेरा सलाम हो या अय्युहुन नबीयु, यानी कि रसूलुल्लाह जिंदा है, हयात है, बदनी तौर पर नहीं उसके नूर के तौर। यही हकीकत मौला अली से पहले जितने भी पात्र थे उनके नाम भी सदरुद्दीन ने हमें दिए हैं। फिर सदरुद्दीन के जो स्तोत्र पात्र थे, पात्र कहते हैं होल्डर ऑफ द नूर, जो कि पात्र का अगर आप लिटरेरी मीनिंग लो तो उसका मतलब होता है कंटेनर, कोई बर्तन, कोई बासन, कोई गिलास, कोई डब्बा, कोई भी चीज के जिसमें कोई चीज रखी जा सकता है उसको संस्कृत में पात्र कहते हैं, कंटेनर, होल्डर ऑफ द नूर। इस सदरुद्दीन ने स्तोत्र पात्रों का नाम दिया है, मगर वो पात्रों की जो लिस्ट आप पढ़ोगे तो वो बाप से बेटे का नाम नहीं है, उसके अंदर 10-10, 20-20, 40-40 पेड़ियां छोड़ के इस सदरुद्दीन ने नाम लिखा है। हमारे इस्लाम की बहुत सी ऐसी जो मसनी किताबें हैं उसके अंदर पुराने आलिमों ने रसूल अकरम के रेफरेंस से पेड़ियों के नाम बताए हैं। उन्होंने इस तरह से लिखा है कि रसूलुल्लाह से लेकर हजरत इब्राहिम तक 40 पेड़ियों के नाम हैं, नबी मोहम्मद इनसे लेकर हजरत इब्राहिम तक जिसको लगभग 4000 साल हो गए, 40 पीढ़ियां बहुत थोड़ी हैं। मगर अल्लामा जाहिज ने लिखा है कि ये बाप से बेटा का नाम नहीं है, हो सकता है बाप से 3-4 पीढ़ियों के बाद नाम लिखे गए, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 पीढ़ियां छोड़ के नाम लिखे गए, और नाम इसलिए लिखे गए मशहूर मशहूर नाम कि जिससे ये जो पीढ़ियां हैं, ये जनरेशन है, उसकी लिंक हमको पता लगे और लिंक जुड़ी न पड़ जाए, इस तरह से उसको एक ही फैमिली बनाया गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तमाम नबियों की जो फैमिली थी वो एक ही फैमिली है हजरत आदम से लेकर। इसी तरह से अल्लामा जाहिद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक 40 पीढ़ियों का नाम लिया है, और हजरत नूह से लेके हजरत आदम तक उसने फिर 40 पीढ़ियां गिनवाई है। अब हजरत आदम को आम लोग, आम मुसलमान भी यूं समझते हैं कि लगभग 6-7 हजार साल हुए, और जिस तरह से मैंने कल एक जगह जिक्र किया कि
हजरत आदम को यहूदी और क्रिश्चियन लोग ऐसा 6-7 हजार बरस पुराना मानते हैं, मगर ये नहीं, इसके तो हजारों साल हो गए। अब इस सदरुद्दीन ने जो सुतोत्र पात्र का नाम दिया है, ये तमाम नूर इमामत रखते थे। तो इस तरह से माँ और बाप, यानी रूहानी बाप और रूहानी माँ, इस धरती के ऊपर हमेशा से रहे। और ये बात समझाने के लिए कि हर जमाने के अंदर इस्माइली मस्जिद मौजूद था, मैंने आपको इतने डिटेल्स बताई। जहां जहां भी इमामत का नूर मौजूद था, वहां नबूवत का नूर भी था, और उनको मानने वाले जो थे वो सतपंथी थे, जिनको आज हम इस्माइली कहते हैं। उन जमानों के अंदर नाम जुड़े थे। तो ये जो सतपंथ है, यानी हाजिर जुम्मे की शनाखत रखना, हाजिर जुम्मे के हुक्म पे रहना, ये रसूलुल्लाह से पहले भी था और इसके नबी करीम के जाहिर होने से पहले जो लोग थे वो इबादत करते थे खुदा से। मगर लोगों को आमतौर पे पता नहीं था। नबूवत का जो नूर था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले उनके पिता हजरत अब्दुल्ला में था, और हजरत अब्दुल्ला से पहले उनके पिता हजरत अब्दुल मुतलिब में था, और हजरत मुतलिब अब्दुल मुतलिब जो थे वो मोहम्मद के भी दादा थे, अली के भी दादा थे, और वो पीर भी थे, शाह भी थे। उनमें नबूवत का नूर भी था, उनके अंदर इमामत का नूर भी था। हर जमाने के अंदर कभी कभी इमामत का और पीर का नूर एक ही रहा, जैसे कि आज हजरत इमाम के अंदर है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इमामत का नूर जुदा रहा जुदी व्यक्ति में, पीर का नूर जुदी व्यक्ति में रहा, जैसे कि मौलाना अली शाह माँ बाप पीर थे, अपने पिता इमाम हसन अली शाह की इमामत के बारे में। और इसी तरह से जब हजरत अली शाह माँ बाप इमाम बने तो उन्होंने पीरी जोत अपने बेटे शाहबुद्दीन शाह को दे दी। यह सिलसिला हमेशा से चला आता है। हमारा जो मजहब है दीनदारों, वो दुनिया में किसी किताबों में नहीं मिलेगा, वो हमको अपने घर में से मिलेगा, और वो गिनान है। कभी कभी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमारे गिनान तो सिर्फ हिंदुस्तान में से मिले, तो उसके पहले क्या, उसके पहले भी इल्म मौजूद था। फिर तो हिंदुस्तान के अंदर 18वें इमाम शामसुद्दीन से आए, क्या उसके पहले मजहब नहीं था? जरूर था। और उसके पहले इल्म कहाँ था? तो इजिप्ट के अंदर जो हमारे दाई थे, और उस जमाने के अंदर जो पीरी जोत रखने वाली जो व्यक्ति थी इमाम की फैमिली के अंदर, वो उन गायों को दौरवानी देते थे, वो गाय लिखते थे। ये चीज जब हम समझ लेते हैं कि हमारा मजहब अनादि काल से है, हमारा मजहब पुराना है, सबसे पुराना, तो वो मजहब क्या है? हाजर जौमे की फरमान बरदारी कर इस्माइली मजहब को एक ही लाइन के अंदर या एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि इस्माइली मजहब यह है, हाजर जौमे की फरमान बरदारी करना। यही बात कुरान में है कि अल्लाह की फरमान बरदारी करो, मोहम्मद की करो और इमाम की करो, उलिल अमर को हम इमाम बनते हैं। हजर इमाम की फरमान बरदारी ही इस्माइली तरीका है। सूफियों के अंदर जो सूफी इस्लाम में भी रहे और दूसरे मजहबों के अंदर भी रहे, हर मजहब में सूफी है। और सूफी उनको कहते हैं कि जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते और खुदा से मोहब्बत करते हैं। इनको ऋषि मुनि भी कहते हैं, सूफी भी कहते हैं, सेंट्स भी कहते हैं। अपने अपने जमाने के अंदर इस ग्रुप का जुदा जुदा नाम पड़ गया। ये जो सूफी थे, जो खासतौर पर मजहब के अंदर सीरियस थे, रसूल खुदा के जमाने के अंदर भी थे, मौजूद थे। नबी के हयाती में दो ग्रुप थे,
जो प्रोमिनेंट थे दूसरे मुसलमानों के सामने, एक वो ग्रुप था कि जिसमें लगभग 300 जितने वो लोग थे कि जो जाहिर तौर पे फकीर थे, कोई काम काज कुछ नहीं था, बहुत सौ की फैमिलीज नहीं थी, और ये न इनका घर था न कोई कमानी थी, और रसूल अकरम को या इनमें से किसी को वक्त पर वक्त पीरियोडिकली एक गांव में से दूसरे गांव भेजा करते थे एजेंट बना के, जिसको आमिर कहते थे। ये लोग दाई थे, लोगों को जाके शरीयत सिखाते थे, मतलब सिखाते थे, और रसूलुल्लाह की शनाखत बताते थे। इनको हिस्ट्री जानती है, और शिया सुन्नी इनको असहाबे सुफा के नाम से जानती है। नबी करीम के जो मदीने के 10 बरस थे, वो बहुत अच्छे समझने जैसी हिस्ट्री है। रसूलुल्लाह ने राज कायम किया और इस राज को अपनी हिकमत से, खुदा के फरमान से चलाया, और मजहब की शरीयत के उपरांत इसके से ज्यादा बात ऐसी चीजें बताई कि जो सब मुसलमानों को नहीं बताई, मगर सब मुसलमानों के ऊपर फर्ज भी न की, और थोड़े लोग थे कि जिनको ये बातें बताई, मगर बहुत से लोग प्यार से रसूल अकरम को अपने घर बुलाने के लिए अर्ज किया करते थे। कभी कभी नबी जाते थे, लेकिन बहुत से लोग जब भी कहते थे या नबी मेरे घर पे आके खाना खाओ, तो नबी नहीं जाते थे, तो वो लोग अपने घर में पका के नबी के घर भेज देते थे। नबी साथ उसको थोड़ा खाते थे और बाकी की चीजें ये असहाबे सुफा से उनको दे देते थे। इनको जब भी जितना मिल जाता था खा लेते थे, और कभी असहाबे सुफा के आदमियों ने पेट भर के कभी नहीं खाया, क्योंकि इतना खाना था ही नहीं, एक एक लुकमा ले देते थे, ये इबादत करते थे। असहाबे सुफा के लिए मस्जिद के बाजू ही उनके लिए एक ऐसा छत जैसा बनाया गया, दीवारें नहीं, सिर्फ पिलर्स डाल के लकड़ी के ऊपर छत डाल दी। ये लोग इधर ही रहते थे, मिट्टी के अंदर सो जाते थे, फकीर की तरह, दरवेश की तरह रहते थे। इन असहाबे सुफा में से जो 300 से ज्यादा थे, करीबन 40 आदमी ऐसे थे कि जिनको रसूलुल्लाह प्राइवेट भी मिलते थे। कभी एकांत में एक एक दो दो को मिलते थे, और कभी ऐसा भी होता था कि 40 के 40 को दरवाजे बंद करके एक रूम के अंदर मिला करते थे। ये 40 वो आदमी थे कि जिस तरह आज हमारी जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ईमान की खिदमतों के लिए अपनी जिंदगियों का ऑफर की हुई है, पर इमाम ने उनको कबूल किया, जैसे कि हमारी 5 मजलिसें हैं, 5-5 साल की जो मजलिस है, वो 5 या 12 बरस की हम अपनी खिदमत मौला को ऑफर की, मौला ने रहम करके कबूल की। इससे थोड़े और भी ऊंचे हैं कि जिन्होंने इससे ज्यादा खिदमत दी और मौला ने उसको कबूल किया, ये इनका दर्जा असहाबे सुफा जैसा। लेकिन असहाबे सुफा के जो जाहिरी सेवा करते थे, या अली के मौला के मोहम्मद के हुक्म से दूसरी जगहों के ऊपर जाके काम काज किया करते थे, इन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सी कुर्बानियां दी हुई है, मगर इनमें से वो लोग कि जिनको नबी करीम छुप छुप के अकेले या दो दो चार चार की शक्ल में या सब के अंदर मिला करते थे दरवाजे बंद करके, वो लोग बैतुल ख्याल के लोग हैं, और ये सबसे ऊंचा दर्जा है हमारे मजहब का। बैतुल ख्याल जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठ के उनको इबादत सिखाते थे, बोल देते थे, और ये लोग अपनी जिंदगी की बहुत सी जो ऐश अशरत आराम की चीजें थी उसका त्याग कर देते थे, जिसको इंग्लिश में हम रेनंसिएशन कहते हैं, जानबूझ के राजी खुशी से कोई भी दबाव प्रेशर के बगैर। ये लोग के जो आबिद होते थे,
उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर से ऐश और आराम को त्याग दिया। ये जो त्याग है मसल की खासतौर पर नूरानी हालत के अंदर इंसान की इबादत के अंदर त्याग बहुत जरूरी है। जब तक त्याग नहीं तब तक वैराग नहीं। त्याग है रिनंसिएशन और वैराग जो है ना वो खुदा ताला की महब्बत है। वैराग के अंदर क्या होता है कि खुदा की जुदाई महसूस होती है। वैराग जो है इस तरह होता है कि अगर किसी को किसी से महब्बत है, सबसे ज्यादा मोहब्बत की शक्ल अगर बताई जा सकती है नॉर्मली तो वो माँ और बच्चे की मोहब्बत होती है कि जब बच्चा छोटा होता है। माँ की मोहब्बत प्योर मोहब्बत है। माँ की मोहब्बत जो है वो खुदा की मोहब्बत का एक सैंपल है। माँ जो मोहब्बत करती है तो कोई तरह का बदला नहीं चाहती। अगर माँ बूढ़ी भी हो गई और बच्चे जवान हो गए, अगरचे वो माँ उसको बेबी की हालत में से निकाल के बड़ा कर चुकी है, खुद दूर हो गई है, लेकिन उसकी जो ममता है वो माँ के कलेजे में अभी भी छुपी हुई है और एनी टाइम जाहिर हो जाती है। माँ जब देखती है कि उसका बच्चा दूर हो गया या दुख में पड़ गया तो उसका मन जलता है। अगर वो जुदाई है तो उसकी जुदाई में उसको याद करती है। ये वैराग है। वैराग क्या है कि किसी की जुदाई को महसूस करके फील करके उसको याद करना, ये वैराग है। जुदाई इंसान के अंदर हचमचा देती है। मौलाना रूम ने जब मसनवी शुरू की, आप अभी मसनवी उठा के देखो तो मसनवी का पहला ही शेर यह है कि सुनो सुनो ये जो मुरली बज रही है। एक बाजार के अंदर एक लड़का मुरली बजाता था, फ्लूट बजाता था, और लोग इर्द गिर्द खड़े होके जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल थे तो वो नाचते थे। कई लोग महज अंक बनकर के सुन रहे थे, लोग मस्त थे। मौलाना रूम निकले तो उसने लोगों का ये हाल देखते ये शेर पढ़ा, सुनो सुनो ये मुरली बजती है, ये अपनी जुदाई का रोना रोती है। ये मुरली जो है ये रुदन कर रही है, ये कहती है मैं अपनी असल से जुदा हो गई। बैंबू ट्री में से बांस में से एक टुकड़ा काट के उसमें छेद करके सुराख करके मुरली बजाई जाती है, फ्लूट बनाया जाता है, और इस फ्लूट के अंदर से जो आवाज निकलती है, मौलाना रूम कहते हैं कि वो अपनी जुदाई का रोना रहती है कि मैं अपनी असल से जुदा हो गई। ये वैराग है। जुदाई की फीलिंग करके अपने महबूब को याद करना ये वैराग है। मगर वैराग तब पैदा होता है कि जब त्याग उसके पहले हो, और त्याग ये होता है कि हम महबूब की खातिर अपने प्यारे के लिए उसकी मोहब्बत के अंदर ऐश और आराम दुनिया का प्यार छोड़ दें। खुदा के नामों में एक नाम है अर-रकीब। रकीब किसको कहते हैं कि जो अपने महबूब को प्यार करता है लेकिन कोई दूसरा जब उसको प्यार करता है तो इसके दिल के अंदर ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे माशूक को मेरे महबूब को कोई और इतना चाहे कि जितना मैं चाहता हूं। यानी खुदा अपने बंदों से प्यार करता है तो बंदे खुदा से प्यार करते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी खुदा के बंदे को प्यार करे तो खुदा को ये चीज पसंद नहीं है कि मेरे बंदे को जिसको मैं चाहता हूं उसको कोई और इतना चाहे कि जितना मैं चाहता हूं। ये हसद नहीं, मोहब्बत का इजहार है। तो खुदा भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उसको चाहो तो इतना किसी दूसरे को भी चाहो। हम अगर खुदा को प्यार करते हैं तो खुदा को यह बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि खुदा नाराज हो जाता है
कि आप जितना खुदा को चाहते हो इतना किसी और चीज को भी चाहो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए खुदा ये चाहता है कि जब मेरे से प्यार करो तो ऐसा प्यार करो कि तुम्हारे और मेरे प्यार में कोई दूसरा प्यार ना आए। ये वैराग्य का दर्जा है। और उसके पहले जैसे मैंने त्याग की बात की तो त्याग ये है दिनदारों, जैसे कि हमारी नींद, निंद्रा हमें जरूरी भी है, मगर जरूरत तक अगर हमने नींद रखी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी हमने नींद को प्यार करना शुरू कर दिया तो खुदा नाराज होता है। नींद से प्यार, माल से प्यार, बीवी बच्चों से प्यार, अपने तन बदन से प्यार, अपनी जिंदगी की और कई दूसरी चीजें हैं जिनको हम अगर प्यार करना शुरू कर दें तो खुदा नाराज हो जाता है। अगर खुदा से प्यार है तो जिंदगी की जरूरतों को हम जरूर मानते हैं। माल इसलिए कमाओ कि उस माल से अपने बीवी बच्चों को पाल सको, किसी का मोहताज न रहना पड़े, अच्छी जिंदगी गुजारी सके। माल कमाने की जो एम है तो वो ये है। लेकिन हमारे पास खुदा ने हमारे जरूरतों को पूरा करने जितना माल दिया है और फिर हम इसको इस लालच में लेके तो हम इतना माल इकट्ठा करें, इतना माल इकट्ठा करें कि हमारी जिंदगी माल इकट्ठा करने में ही निकल जाए, और इतना माल इकट्ठा किया जाए कि 100 बरस तक अगर काम धंधा छोड़ के हम बैठ जाएं तो भी खा सकें, फिर भी माल के पीछे लगे हुए हैं और माल कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, गला फरेब करते हैं, ऊंधे सीधे धंधे करते हैं, मगर माल की मोहब्बत छूटती नहीं है। ये एक अजीम गुनाह है और खुदा इस चीज को कभी सहन नहीं करता। इसमें त्याग है ही नहीं। इसमें यह है कि एक आदमी ने अगर एक औरत से शादी की तो फिर छुप छुपा के दूसरी औरत के पास या मेशियाओं में जाता है, अगर उस औरत को पता लगता है तो उसके अंदर सौतन का जलापा उठ जाता है। यही हाल अगर एक औरत को यह पता चल जाए कि मेरा मर्द उधर जाता है, या मर्द को पता चल जाए कि मेरी औरत जो है वो बाहर पगी है, किसी और मर्द से भी इश्क करती है, तो ना औरत उसको बर्दाश्त कर सकती है ना मर्द उसको बर्दाश्त कर सकता है। क्यों? कि ये इंसानी नेचर में, औरत मर्द का सवाल नहीं, ये ह्यूमन नेचर के अंदर स्पिरिचुअल चीज है ये कि हम जिससे प्यार करते हैं वो प्यार बिल्कुल क्लियर ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसा कि खुदा से अगर मोहब्बत की गई तो फिर हम अगर माल से मोहब्बत करेंगे तो खुदा नाराज हो जाएगा। अगर हमने मियां बीवी होके एक दूसरे के साथ ऐसा प्यार किया गया, इबादत बंदगी भूल गए और खुदा की मोहब्बत भूल गए तो खुदा को ये भी पसंद नहीं। अगर हमने अपनी औलाद से इतना प्यार किया कि हम इबादत बंदगी भूल गए तो खुदा को ये भी पसंद नहीं। कभी भी खुदा ये पसंद नहीं करता कि उसके साथ जितनी मोहब्बत की जाए इतनी लगभग मोहब्बत किसी और से करो, उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो आदमी यह हकीकत समझता है, यह हकीकत है जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। मौलाना सुल्तान अहमद शाह ने बहुत दफा कहा कि हकीकती समझ की दुआ मांगो। दीनदारों, मैंने आज आपके सामने इमामों पीरों के नबियों की बात करके मैंने यह हकीकती समझ बताई कि हकीकती समझ क्या है। हकीकती समझ, एक दरवेश था। इस्लाम के अंदर रसूल अकरम ने मना किया है इस्लाम में कि कोई आदमी जिंदगी भर शादी न करे, इस्लाम उसको मना करता है। छोटी उम्र में इस आदमी को इबादत का शौक लगा, दरवेश बन गया, मगर यातायात इसको रसूल अकरम अपीयर होके इसके ख्यालों या बिशारत में या इसके ख्वाब में सपने में नबी करीम फरमाया, मेरे बच्चे तुमने अभी तक शादी नहीं की इसलिए तेरा ईमान पूरा नहीं होगा। नबी ने फरमाया कि अन निकाह और निस्फुल ईमान,
जिसने निकाह नहीं किया उसका ईमान संपूर्ण नहीं, आधा है। तो तकरीबन 40 बरस की उम्र हो गई इसकी। जब रसूल अकरम ने इसको जाहिर होकर कहा कि मेरे बच्चे तूने अभी तक निकाह नहीं किया, तेरा ईमान पूरा नहीं, ये इशारा है रसूलुल्लाह का। नबी करीम की एक हदीस भी है कि निकाह जिसने नहीं किया, शादी नहीं की, शादी के दुख नहीं उठाए, मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा, खुदा के सामने मैं उसका वकील नहीं बनूंगा, मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। ऐसी और भी बहुत सी हदीसें हैं कि जिसके अंदर शिकायत न करने के लिए, जैसे कि रसूल अकरम फरमाया जिसने आघात किया मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा। ये ज्यादा तो अब इसको जरूरत महसूस हुई कि हुजूर फरमाते हैं निकाह करो। अभी इसने सोचा कि मेरी जिंदगी के अंदर अगर औरत आवे तो कैसी आवे, मेरे जैसी होनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि खुदा नेकों को नेक बीवियां देता है और बदों को बद बीवियां देता है। सिर्फ बीवी की बात ही नहीं है, इंसान के पास गुनाह ऐसे होते हैं दीनदारों कि किसी को औरत ऐसी मिलती है कि सारी जिंदगी उसका खून चूसती है, और किसी को ऐसा मर्द मिलता है कि सारी जिंदगी पीटता रहता है, हाथ से नहीं पीटे तो सलूक से पीटे। हम ये जो एक दूसरे का दुख उठाते हैं दीनदारों, उसके अंदर दूसरे को हम ब्लेम नहीं करते, हमारे आमाल ऐसे हैं। आज अगर मियां बीवी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, ये जो चीजें हैं ये हमारे गुनाह हैं, इन गुनाहों की वजह से हम दुखी होते हैं। ये औरत मर्द के झगड़े भी यही है कि उसमें ईमान नहीं होता, इबादत नहीं होती, दिल में नेकी नहीं होती। कनाडा के अंदर अमेरिका में लॉ है कि अगर औरत मर्द झगड़े और वो जो डिवोर्स ले लें, चाहे औरत डिवोर्स मांग रही या चाहे मर्द डिवोर्स मांगे, तो औरत जो है वो आधा हिस्सा मिल्कत का ले जाती है लॉ के हिसाब से। खुद हमारी कौम के अंदर ऐसे बात किस्से बन चुके हैं कि औरत ने शादी की, दो बरस के बाद झगड़ा किया और लाखों की मिल्कत लेके बैठ गई, और उसने फिर दूसरी जगह शादी की, एक औरत ने तीन शादियां की और तीनों मर्दों से उसने पैसे निकलवाए। अब उसने माल को खुदा बना लिया, शादी करने का एक ही मकसद था कि ये मर्द के पास पैसा है, लड़ झगड़ के डिवोर्स लेके आगे मिल्कत लेगा। दुनिया आज हमारे दिल में इतनी घुस गई है कि खुदा नजर ही नहीं आता, हमारे दिल के अंदर खुदा की याद आती ही नहीं। हम इस्माइली हैं तो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, मजलिसें वगैरह होती हैं तो कभी कभी हम जमात खाने खास आते हैं, और आते भी हैं तो किसी को मिलने के लिए आते हैं, इबादत की नीयत से नहीं आते। मैं सबकी बात नहीं करता, यानी हमारे अंदर ऐसे लोग भी हैं कि वो जमात खाने इबादत के लिए नहीं आते, लोगों को मिलने के लिए आते हैं। वो लोग के जो प्योर हैं उनकी जिंदगी की तमाम बातें प्योर होती हैं। अब इस फकीर ने, इस दरवेश ने किसी एक और दरवेश की लड़की ढूंढी, और वह भी लगभग 40 बरस की थी, दोनों ने शादी की। शादी की पहली रात आई, मियां बीवी बैठे, मर्द कहता है तू मेरी बीवी है, मैं आज तुझे एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप मेरे शोहर हो और रसूल खुदा ने फरमान दिया है कि औरत का मुर्शिद शोहर है, शोहर को नबी करीम ने मुर्शिद बनाया, गुरु बनाया, यानी औरत का फर्ज है कि वह मर्द के पीछे चले। आज की औरत नहीं मानती ना माने, मैं तो मजहब की बात करता हूं। तो मेरी एक ख्वाहिश यह है, अगर तू मंजूर करे तो हम आज की रात इबादत में निकाले। तो वो भी दरवेश की बेटी थी, बहुत अच्छा मेरे मालिक, मैं बहुत खुश हूं। दोनों ने सारी रात जिक्र में निकाल दी। मर्द को ऐसा हुआ कि चलो ये दूसरी रात है, इस रात के अंदर हम कुछ खुशियां करेंगे। हालांकि
सिर्फ शरीयत की नजर में, उसके दिल के अंदर शादी की जो खुशियां होती हैं वो नहीं थी। दूसरी रात आई तो औरत कहती है, मेरे मालिक मेरी आज एक ख्वाहिश है। क्या है? अगर आप कहो तो आज की रात हम इबादत में निकाल देंगे। बहुत अच्छा। मोमिनों, इन्होंने सारी जिंदगी एक दिन उसने कहा, दूसरे दिन उसने कहा, इन्होंने शादी जरूर की, रसूलुल्लाह के उस फरमान के हिसाब से निकाह किया, मगर सारी जिंदगी इन दोनों ने इबादत में ही निकाल दी। इस किस्म के लोग तो कोई कोई होते हैं। मुझे यह मिसाल देने की जरूरत इसलिए पड़ी, मुझे इस तरह याद आया कि यह त्याग है, रिनंसिएशन है दुनिया की मोह ममता ऐश आराम, खाना पीना कपड़ा लत्ता मियां बीवी के ताल्लुकात, ये सब क्या है? एक इल्यूजन है, एक सपना है, एक ख्वाब है। आप कितने भी स्वादिष्ट खाना खाओ, कितना भी ओवर ईटिंग कर डालोगे, मगर फिर भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बिरयानी हो या चाहे कुछ भी हो। रख लो अपने सामने देगचा भर के, कितना खा सकोगे? बहुत खाओ, ओवर ईटिंग कर डालो, लेकिन जब पेट में ही जगह नहीं तो क्या करोगे? उसको छोड़ना पड़ेगा, सामने पड़ा है, आंखें अभी भी उसको देख रही है, जीभ का स्वाद अभी भी उसमें लालच पैदा कर रहा है, लेकिन लिमिट आ गई, मजबूर हो गए, छोड़ना पड़ा। यही हाल है हमारा, दुनिया की मोहब्बत और इत्तेफाक से, दुनिया के प्यार से, दुनिया की इवेंट से, दुनिया की ऐश आराम से, दुनिया के पजेशंस वगैरह से हमारी जिंदगियां भरी हुई है। आती है तो बिरयानी का देवचा सामने पड़ा है, खाने की तौफीक नहीं, चलो भाई चलो, नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा हमारी जिंदगी। कि तुम जागो और जिक्र करो और खुदा से उसकी बंदगी मांगो कि या मौला तू मुझे अपना बंदा बना के रख, मेरे से ऐसे काम नहीं करवा कि तुम मुझसे नाराज हो जाए, या मौला मैं ऐसा न करूं कि तेरे से दूर हो जाऊं। जुदाई का रोना जो है वो एक इबादत है बजात खुद, यानी जुदाई के रोने में हज़रत इमाम की जुदाई को महसूस करना भी इबादत है। और जो इंसान आबिद है वो दुनिया में रहते हैं एक मुर्गाबी की तरह। मौलाना सुल्तान अहमद शाह फरमाते हैं कि जिस तरह पानी में मुर्गाबी रहती है, मुर्गाबी इंग्लिश में कहते हैं सी गल को, ये जो सी गल है पानी में रहती है, मगर पानी में डूब के भी जब बाहर निकलती है तो उसके पंख बिल्कुल ड्राई होते हैं, पानी उसके बदन को लगता ही नहीं, वो गीली नहीं होती। मौला कहते हैं मेरा मोमन दुनिया में रहता है मगर वो दुनिया में गीला नहीं होता, वो ड्राई रहता है दुनियावी हिसाब से, दुनिया उसको असर नहीं करती। वो दुनिया में इसलिए रहता है कि खुदा ने उसको दुनिया में भेजा है, या उसके पुराने आमाल को पूरा करने के लिए, या खुदा ताला उसको एक खास मिशन दे के भेजता है। जैसे दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े वलीउल्लाह थे या हमारे जो ये पैगंबर थे, तो खुदा उनको एक मिशन दे के भेजता था। पैगंबरों के अलावा भी मोमिनों के अंदर खुदा कभी कभी किसी को एक मिशन दे के भेजता है। वो दुनिया में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जब तैयार होते हैं तो अपना मिशन पूरा करके उड़ जाते हैं। एक दिन सुबह के वक्त मौलाना अली शाह माँ बाप अपने पीरी जौमे के अंदर अपने घर से नीचे उतरे। बॉम्बे के अंदर जो वाड़ी का इलाका है, यहाँ मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने बंगले बनाए और यहाँ मौला की सारी फैमिली रहा करती थी। हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप, शाहबुद्दीन शाह, मौलाना इमाम सुल्तान अहमद शाह, और उसके कई बरस तक माता सलामत भी उधर रहती थी। इन बंगलों के सामने एक छोटा सा हाउस है पानी का, उसके अंदर फवारा है, फाउंटेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं,
गोल है पत्थर का बना हुआ। मौलाना अली शाह माबाप पीरी जामे के अंदर रात को 2 बजे नीचे उतरे और इस पानी के अंदर चले जावे। कमर तक पानी में अली शाह माबाप खड़े रहते थे और इबादत करते थे। जब इमामत का वारा मिला हसन अली शाह माबाप ने जामा पूरा किया तो अली शाह माबाप जब इमाम बने तो ये छोड़ दिया और पीरी जामा जब पेशाबुद्दीन शाह को दिया तो फिर शाहबुद्दीन शाह पानी में उतर के इबादत करते थे। सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मौला इधर खड़े रहे। 5 बजे के बाद जमात खाना सामने ही था, वहां जब अजान हो गए हमारे दुआ के लिए घर से जमात भाई, तो मौला पानी से निकल के ऊपर जावे, अपने बदन को ड्राई करें, नए कपड़े बदल के नीचे आवे और इसके पहले जमात नियाज वगैरह पी के नीचे जमीन पर बैठ जाते। जिनको जाना है चले जाते थे। तो यहां मौला आके तो ये जो हौज है इसकी दीवार के ऊपर बैठ के जमात को दीदार दे दे, सवालों के जवाब दे दे और कभी कभी फरमान करे। मेरे दादा ने लिखा हुआ है कि एक दिन इस तरह अली शाह माबाप बैठे जमात को फरमान कर रहे थे, यूं ही निगाह ऊंची की तो देखा तो 3 बर्ड्स उड़ रहे हैं, 3 पंछी। जमात को कहा है जमात ये देखो, वो जो आगे सबसे पहले जो पंछी जाता है वो मेरा मोमन है, यानी एक मिसाल दी, एग्जाम्पल देते हैं, उसके पीछे दुनिया है और जो तीसरा सबसे आखिर में है वो दुनियादार है। मेरा मोमन उड़ रहा है असल मकाम की तरफ और दुनिया उसके पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए, मेरा मोमन दुनिया के हाथ में नहीं आता। तो तीसरा पंछी जो है वो दुनियादार है, उसको दुनिया चाहिए, दुनिया की मौत शोक चाहिए, वो दुनिया के पीछे भागता है मगर दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। कैसी अच्छी मिसाल दी मौला ने, मोमन मौला की तरफ भागता है, दुनिया उसके पीछे भागती है, तो दुनिया के हाथ में नहीं आती, और दुनियादार दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। कितना कमाओगे, कितना खाओगे और फिर भी सब कुछ छोड़ के हम वो जाना है, माल इधर ही रह जाए, शरीर के कपड़े भी उतर जाएंगे और हाथ में या शरीर के ऊपर कोई दर्दागी ना होगा तो वो भी खींच लिया जाएगा, नंगे करके एक कपड़े में लपेट के जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। ये हमारा अंजाम। जिक्र जागो, बंदगी मांगो, करो जिक्र इलाही। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं। अरस परस की मोहब्बत है और बंदा जो है वो अपने मौला के वैराग में जुदाई में उसको याद करता रहता है। आदम निरंजन निर्गुण आप दिल तोड़ दे रहे। जो आदमी समझे इस गिनान को दिल तोड़ दे रहे, ऐसे इसमें उद्घाटन निकाले हैं इस हसन कबीर दिन में। जुदाई से भरा हुआ सारा गिनान। एक दफा मैंने 3 घंटे लगाए इस सारे गिनान को तर्जुमा किया
और बस ऐसी जगह आ गई कि जहां इंसान का मन उठा रहा है। ये गिनान बोल के अगर इंसान समझे और रोज ये कभी गिनान के पांच पांच सात सात पाठ पढ़ता रहे, और शर्त यह कि इसको समझे, तो मोमिनो दिल के अंदर बैराग पैदा होता है। मौला की मोहब्बत के शोले निकलते हैं, जब आग बहुत भड़कती है तो फ्लेम्स निकलते हैं, मौला की मोहब्बत के अंदर फ्लेम्स निकलते हैं। किसी मोमिन के दिल के अंदर ऐसी आग है मौला के प्रेम की कि जैसे जो आग बुझने लगती है तो वो जो अंदर चारकोल है आहिस्ता आहिस्ता दुखते हैं अंदर अंदर, बाहर से ठंडे लगते हैं लेकिन अंदर आग चल रही है। कई मोमिनों के दिल में मोहब्बत इस तरह अंदर सुलग रही है आहिस्ता आहिस्ता। कभी कभी इसके अंदर कोई नया फ्यूल आ जाता है तो भड़क उठती है और उसमें शोले पैदा होते हैं। मोहब्बत के अंदर ये सब ऊंच नीच लहरें आती रहती हैं मौला की मोहब्बत में। बंदगी के अंदर जो इमाम हमें बख्शीशे देता है, वो बख्शीशे के अंदर भी ऐसी लहरें हैं, कभी छुप जाता है कभी जाहिर होता है, कभी खुशी होती है तो कभी दिल उदास हो जाता है इबादत के बाद। क्यों उदास होता है? उसका यह मतलब नहीं कि इमाम नाराज हो गया, वो चैन चेहरे करता है, माशूक है वो सताता है जानबूझ के जोक की, ये देखने के लिए कि मेरा जो आशिक है वो मुझे कितना चाहता है। तो उसकी ये जो ये नटखटपना है, ये जो शरारत है, मोहब्बत की ये जो बातें और अदाएं हैं उनमें बहुत बड़ी आला दर्जे की चीजें हैं। उसकी जो उदासी है ना, वो भी इबादत है, ये भी नूर का एक प्रताव है। तो खुदा ताला कभी जाहिर होता है कभी जाहिर नहीं होता, कभी छुप जाता है कभी सामने आता है। तो ये जो हालत होती है ना माशूक की, इसको पीर ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। चल छबीला सुनो बेला, चल छबीला कभी इस दरवाजे से आता है कभी इस दरवाजे से आता है, कभी ये खिड़की में से देखता है कभी वो खिड़की में से देखता है, और आशक इधर देखता है तो ये इधर होता है, इधर होता है तो इधर आ जाता है। ये अंदर ये चीजें होती रहती हैं, और माशूक जो होता है वो बिल्कुल प्यार करता है, रूठता है तो भी उसमें प्यार होता है। जैसे आग बुझ गई लेकिन अंदर सुलग रही है, ऊपर ऐश आ गई राख पड़ गई लेकिन राख को हटाओ तो आग फिर जाहिर हो जाती है। मोहब्बत के ऐसे दौर आते हैं। छल छबीला सुनो अलबेला, मैया तू मन विच लाओ मेरे साहेब, अब तेरी मोहब्बत लगी। ये इसकी जो ये नटखटपना, ये छल छबीलापना, ये इबादत में ऐसी मंजिलें आती हैं। किसी किसी को ये चीजें नसीब होती हैं, मांगो इसके लिए। मौला को कहो कि मुझे तू अपनी मोहब्बत के सब रंग दिखा, हजारों रंग हैं उसकी मोहब्बत के, मगर आप में ताकत होनी चाहिए उनको उठाने के लिए। क्योंकि अगर ताकत नहीं होगी तो बाज उसके रंग ऐसे आ जाएंगे कि बिल्कुल फ्लॉप हो जाओगे। उससे जो मांगो तो ताकत भी साथ मांगो, ये तू मेरे साथ रहना। ते दिन स्वामी मुने पास ते राव जो जी पकड़ी ले जो मरो हाथ दासी छू तेरी। मुझे फिसलने न देना, गिरने न देना, मेरा हाथ पकड़ लेना। मौला जो है ना दीनदारों, इतना मीठा है, इतना प्यारा है, हमने मौला को देखा ही नहीं। जाहरी दीदार जरूर किया है, और जाहरी दीदार से भी इंसान के दिल में स्पिरिचुअलिटी बढ़ती, रूहानियत बढ़ती है,
मगर हमारे मजहब की जो असल चीज है, जो हर जमाने के अंदर किसी न किसी तरीके से ये मजहब मौजूद था, तो ये मजहब उनका मजहब था जो मौला के आशिक थे, जो खुदा से प्यार करते थे, अली नबी को चाहते थे, अली नबी का नूर वो जमाने में मौजूद था। उन लोगों को इस्माइली सत्यपंथ मिला हुआ था। इस्माइली मजहब का मतलब क्या है? मौला की मोहब्बत में रहना। ये हमारा इस्माइली तरीका, ये उन आशिकों का तरीका है कि जिनके दिलों में मौला की मोहब्बत सुलगती रहती है। कभी कभी दुनिया की राख इस आग को कवर कर लेती है, लेकिन अंदर आग सुलगती है। जैसे ही फूंक मार के राख को हटा दोगे तो वो फिर आग जाहिर हो जाएगी। थोड़ा सा उसमें बर्तन डाल के फ्यूल डाल दोगे तो शोले उठने लग जाएंगे। इमाम की मोहब्बत में मस्त रहो, दुनिया में रहो इस तरह जैसे मुरहाबी रहती है। हमारी जमात में आज कुछ टाइम हुआ है, 10, 20, 25, 50 बरस पहले इतनी माल की मोहब्बत हमारी जमात में नहीं थी। आज से 50-60 बरस पहले लोगों में हमारी जमात में बहुत मालदार नहीं थे। अरे आज से लगभग 60-70 बरस पहले हमारी एक माँ थी, बाई थी, सकीना बाई, उसके पास 50 रुपए थे, सिर्फ 50,000। तो उसका नाम पड़ गया अदलखियानी। यानी मतलब यह कि बहुत मालदार बनी तो कितनी बनी, 50,000, लाख भी नहीं था, तो उसको लकब पड़ गया अदलखियानी। आज तो करोड़पति हो गए, बिलियनर हो गए, अब्जोपति हो गए। आज हमारी जमात के अंदर मालदार बहुत है। आज हमारी जमात में माल से प्यार करने वाले बढ़ गए। आज हमारी जमात में माल की मोहब्बत में दीन छोड़ दिया। यानी दीन छोड़ने से मेरा मतलब उन्होंने दीन में से निकलने की बात नहीं करता, दीन छोड़ दिया यानी प्रैक्टिस छोड़ दी, जमा खाना छोड़ दिया, इबादत छोड़ दी, लसन छोड़ दिया, और चीजें रखी हैं तो ओपरे मन से कभी आए कभी ना आए, कुछ थोड़े पैसे दे दिए तो दसवंत की नाम हो गई। मतलब यह है दीन में है मगर दीन में नहीं, क्यों कि माल की मोहब्बत ने दिल तंग कर दिए, दिलों की खिड़कियां बंद हो गई, अंदर सुलूक तो ही आग जो थी उसके ऊपर और भी मिट्टी डाल दी गई, और अगर उसको नहीं हटाया गया तो अंदर वो आग एक दिन बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। आज हमारी कौम के अंदर जिधर जिधर भी, खास तौर पे मेरी वो कौम, मेरी वो भाई बहन के जो जम्पूद्वीप के इस्माइली हैं, असल हिंदुस्तान के जो अफ्रीका में हैं, पाकिस्तान में हैं और लंदन यूरोप वगैरह और उधर के कैनेडा के और यूनाइटेड स्टेट्स के, असल जो हिंदुस्तानी इस्माइली हैं जिनको हम जम्पूद्वीप के इस्माइली कहते हैं, इन इस्माइलियों के अंदर माल के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं। मालदार बनना गुनाह नहीं है, मालदार बनना गुनाह नहीं, अच्छे मकान में रहना गुनाह नहीं। मैं नहीं कहता कि हमारे पास मोटरें नहीं होनी चाहिए, मैंने जो कुछ कहा है उसमें एक ही थीम है, माल की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बंगले मोटर की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं ये दुनिया की ऐश आराम की चीजें हमारे दिल की खिड़कियों को, बारियों को, दरवाजों को बंद कर देती है और हमारा दिल काला हो जाता है। हमारे अंदर अभिमान पैदा होता है, मगरूरी आ जाती है, ग्रीड पैदा हो जाती है। करोड़ हो गया तो 2 करोड़ बनाने की होती है। हमारी कौम में ऐसे मालदार हैं कि अगर 1,000 बरस की लाइफ मिले तो बैठ के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी माल पैदा करने के लिए वो काम करते हैं कि जो काम नहीं करने चाहिए। अरे इतना तुमको खुदा ने दिया, अब तो तुम छोड़ दो इस चीज को और अपने माल से गरीबों की मदद करो, नेक रास्ते पर खर्च करो और जिंदगी मौला की मोहब्बत में निकालो। लेकिन आंखें अंदर की अंधी हो गई है, दिल काला हो गया है, दिल की खिड़कियां दरवाजे बंद हो गए हैं। कोई भी वाज नसीहत, कोई भी फरमान गिनान उनके कान में से जाएगा तो दिल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माल की दुनिया की ऐशो आराम की मोहब्बत ने उनके दिल को पत्थर कर दिया है, उसके अंदर सेंसिटिविटी निकल गई है। इस्माइली है
मर जाएंगे तो हम ही दफन करेंगे, मगर वो चीज नहीं कि जो इस्माइली मजहब ने उनको सिखाई है, माल की मोहब्बत में पड़े रहे। इस चीज को दूर करके फिर कहते हैं कि जिक्र जागो, बंदगी मांगो, मौला की जिक्र और मोहब्बत याद में रहो और मौला को कहो, मौला तू मैं तेरा सच्चा बंदा बनूं, मुझे ये तौफीक दे, या मौला मैं ऐसे काम करूं कि तुझे नाराज ना करूं, या मौला मेरे से वो काम करवा कि जिसमें तू राजी हो गए। ये है हमारी बैतुल ख्याल, सारा दिन उसको याद करते रहो, रोजी कमाओ मगर कमाने के लिए कि हम जिंदगी गुजार सके, खाना खाओ इसलिए कि हमको जीना है, लेकिन जीने के लिए खाना जिस तरह जरूरत है उसके ऑपोजिट ये है कि हम खाना खाने के लिए जिए। हमारा मजहब जो त्याग का मजहब है, वैराग का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, मौला के इश्क में जिंदगी गुजारने का मतलब है ये। मौला फरमाया यूनाइटेड स्टेट्स में 78 में मौला आए तो जगह जगह, चार जगह मौला गए तो मौला ने फरमाया सारा दिन किसी न किसी नाम से याद करते रहो, किसी भी इमाम का नाम लो, मोहम्मद मोहम्मद कहो, या अली करो, पिरशा पिरशा करो, अल्लाह अल्लाह करो, या रहीम का जिक्र करो, या करीम का जिक्र करो, या रब का जिक्र करो, किसी भी नाम से सारा दिन मौला की याद में रहो। ये जो याद है ये मोहब्बत की निशानी भी है और मोहब्बत को और भी उजागर करने की चीज है। मौलाना हज़रत इमाम आप जुमला जमात के ऊपर राजी हो गए, अपनी मोहब्बत देने, मोहब्बत समझने की तौफीक देने, बदियों बुराइयों से बचाए, गुनाहों से बचाए, हर उस काम से बचाए जो हमको मौला से दूर कर देने, शैतान के फरेब से हमें बचाता रहे, मौला हमें हकीकती समझ देवे, अपनी मारिफत देवे, अपने इश्क मोहब्बत में फरमान बरदारी में रखे, रस्म सुकरीत में पूरा रखे, और मौलाना हज़रत इमाम हमारे ऊपर वो बख्शिशें देवे कि जिससे हम अपने नूर की प्राप्ति कर सकें। गुजारोबादार नसीब करें। तुमरे मन वसे शास्त्री भोवर स्वामी ज्ञान चुना चुना कना